हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करिएगा। डीएनए था आपके पास, डीएनए से आपने क्या किया, आरएनए को बनाया, आरएनए बन गया। अब आरएनए में सारे के सारे तीनों आरएनए इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो यहाँ पे राइबोसोम में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा जो एमआरएनए है, एमआरएनए एज अ कोड लेके आता है और इस कोड को रीड करने का जो काम करता है वो कोड रीड करता है टीआरएनए। तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन के लिए कुछ एक चीज मैं बता दे रहा हूं जो कि समझ जाइएगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा, कि अगर कोई भी आपका राइबोसोम होता है तो उसमें तीन साइट्स होते हैं ईपीए। सो ईपीए में सबसे पहला फर्स्ट जो टीआरएनए होता है वो आता है पी साइट पे, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड से लेके सेकेंड हो गया या थर्ड हो गया ये कॉन्टिन्यू ए साइट पे होता है। फर्स्ट हमेशा पी साइड पे आता है लेकिन सेकंड के बाद ए से कंटिन्यू होता है, ई से एग्जिट हो जाया करता है, ई से एग्जिट हो जाया करता है। ठीक है, इस चीज को समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है जी। पहला आएगा यहाँ पे टीआरएनए इस अमीनो एसिड को लेके, फिर दूसरा आएगा यहाँ पे, फर्स्ट ये होगा, ये दूसरा होगा, फिर ये दोनों पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द फाइव मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसलेशन। वो फाइव मेजर्स क्या हैं, वो क्या इन्वॉल्व होते हैं। नाउ रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, जैसे कि वहां पे रिप्लिकेशन में क्या था, ओराई था। जैसे कि रिप्लिकेशन में ओराई था, ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर था, तो यहाँ पे रिकॉग्निशन कैसे होता है। सेकेंड है अमीनो एसिटाइलेशन, थर्ड इनिशिएशन, फोर्थ इलॉन्गेशन, फाइव इज टर्मिनेशन। ये पांच प्रोसेस मेनली मेनी मतलब कहते हैं इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दोज थिंग्स, किस तरीके से लर्न करेंगे हम। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है प्रोकैरियोट में होता है साइन डेलगर्नो, जबकि यहाँ पे यूकैरियोट में होता है कोजैक सीक्वेंसेस। अमीनो एसिटाइलेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि कैसे टीआरएनए अमीनो ग्रुप से जुड़ता है। टीआरएनए अमीनो ग्रुप से जुड़ने के लिए दो एटीपी की जरूरत होती है, तब टीआरएनए यहाँ पे जुड़ता है टीआरएनए सिंथेस, ठीक है, के थ्रू। उसके बाद इनिशिएशन की बात करते हैं। इनिशिएटर आरएनए पहला पी साइट पे आता है, इनिशिएटर फैक्टर वन के थ्रू, जो की प्रोकैरियोट का पार्ट है। मैं यहाँ पे प्रोकैरियोट के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, यूकैरियोट से कंपेयर करूंगा। फिर उसके बाद 37 यूनिट फर्स्ट आएगा, ये काम करता है इनिशिएशन फैक्टर। सेकंड फिर अमीनो एसिटाइलेशन करेगा, दैट इज द सेकंड। थर्ड जो करता है वो 37 यूनिट के लिए काम करेगा, ठीक है। नाउ सी हियर कि इनिशिएटर टीआरएनए को पी साइट पे लेके आएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद 30S को पहले बाइंड कराएगा थर्ड, और सेकंड का काम होता है अमीनो एसिटाइलेशन। ये इनिशिएशन तीन फैक्टर्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। इलोंगेशन के बारे में बात करते हैं। इलोंगेशन में डिकोडिंग, कमिंग टू द ए साइट, ट्रांसपेप्टिडेशन एंड ट्रांसलोकेशन। कमिंग टू द ए साइट डिकोड करना का काम जो होता है, पहले डिकोडिंग होगा फिर ए साइट पे लेके आता है, जिसको कि बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर TU। क्या बोलते हैं, इलोंगेशन फैक्टर TU। फिर प्रोसेस होता है ट्रांसपेप्टिडेशन का ए साइट पे, फिर ट्रांसलोकेशन होता है ए साइट टू पी साइट। ये अभी राइबोसोम में बताया था कि पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा कि EPA, यहाँ पे एक टीआरएनए पहला यहाँ पे आएगा, दूसरा टीआरएनए यहाँ पे आएगा, फिर ट्रांसपेप्टिडेशन होगा, तो यहाँ पे दो आपके अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, ये टीआरएनए यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ईपीए में यहाँ पे दो अमीनो एसिड रहेंगे, तो इसको ट्रांसलोकेट करना रहेगा इस पर्टिकुलर पी पे, ताकि ए साइट जो है वो फ्री हो पाए अपकमिंग
टीआरएनए के लिए, अपकमिंग टीआरएनए के लिए वो फ्री हो पाए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें ए साइट से पी साइट पे ट्रांसलोकेशन होता है, तो इसके लिए एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, एक एटीपी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ईएफजी। सो वंस अगेन एक बार फिर से देखने के लिए कोशिश करिएगा कि प्रोकैरियोट में कैसे हो रहा है। रिकॉग्निशन होता है साइंड एल्गर्नो सीक्वेंस से, उसके बाद अमीनो एसिटाइलेशन होता है, दो एटीपी लगता है अमीनो एसिटाइलेशन के लिए, टीआरएनए को अमीनो एसिड से चार्ज करेंगे। इनिशिएशन के लिए इनिशिएटर अमीनो एसिड आता है पी साइट पे, इनिशिएशन फैक्टर 1 से 30 सब यूनिट पहले बाइंड करता है, 50 सब यूनिट से इनिशिएशन फैक्टर 3 की वजह से, और अमीनो एसिटाइलेशन होता है इनिशिएशन फैक्टर 2 पे, यहां पे इनिशिएशन फैक्टर 2 चाहिए होता है। इलोंगेशन में डिकोडिंग होता है, डिकोडिंग के बाद कमिंग टू द ए साइट, जो नया सेकंड अमीनो एसिड होता है या टीआरएनए वो ईएफयू की वजह से आता है, एटीपी एनर्जी कंज्यूम करता है। ट्रांस ट्रांसलेशन ए साइट पे होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज से, ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज वो फंक्शन परफॉर्म करता है 23S राइबोसोमल आरएनए, जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो 23 राइबोसोमल आरएनए। वंस अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और ट्रांसलोकेशन के लिए इलोंगेशन फैक्टर जी चाहिए, 180p चाहिए यहाँ पे, और ये था इलोंगेशन। टर्मिनेशन में रिलीज फैक्टर 1, 2, 3 होते हैं, जो कि इन स्टॉप कोडॉन्स को रीड करते हैं, रीड करने के बाद रिलीज कर देते हैं पर्टिकुलर राइबोसोम की यूनिट्स को और प्रोटीन्स को। ट्रांसलेशन में टोटल जितनी एटीपी चाहिए होती है, दैट टोटल एटीपी रिक्वायर्ड इज द 4 एटीपी, टोटल जो एटीपी चाहिए वो 4 एटीपी रिक्वायर्ड होता है, 2 एटीपी एज इनिशिएशन, ये अमीनो एसिटाइलेशन, एंड 2 एटीपी फॉर द इलोंगेशन। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द इनिशिएशन, ये आपका इनिशिएशन इन द यूकेरियोट्स है। ये यूकेरियोट में इनिशिएशन कैसे होता है उसका एक डायग्राम है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, यूकेरियोट के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे इनिशिएशन थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है कि पहले इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP आता है, ठीक है, ये क्या करेगा, 2 का काम 2 GTP है, वो फॉर्म करेगा टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टर्नरी कॉम्प्लेक्स फिर आएगा इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3, और 48 सब यूनिट ये बाइंड करेंगे क्या, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, बाइंड करेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, फिर आएगा इलोंगेशन 4GEAB, ये सब आके क्या परफॉर्म करेंगे 40S कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद आता है इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर 5 जो कि 60S सब यूनिट को लेके आएगा, और फिर उसके बाद 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन के इनिशिएशन होना शुरू हो जाता है। इसमें जो ऑर्डर होता है वो होता है EIF2 आता है, फिर उसके बाद EIF1A आएगा, फिर EIF3 आएगा, फिर EIF4 आता है, फिर उसके बाद EIF5 आता है। इस तरीके से ऑर्डर होता है 2, 1, 3, 4, 5। 2 का काम होता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स, इसका काम होता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स, 1 और 3 का काम होता है 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 4 का काम होता है 48S, और 5 का काम होता है 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये बनाना होता है, इस तरीके से इलोंगेशन फैक्टर आते रहते हैं। 4 आता है, 4 जो होता है वो हेल्प करता है कुछ बाइंड करने के लिए, कहां पे 4 के कुछ पार्ट होते हैं जो कि इस तरीके से बाइंड करते हैं, 4E जो होता है, EIF4G, 4A, ये सब बाइंड करते हैं कहां पे, mRNA पे, जो कि mRNA के 5 टर्मिनल 3 टर्मिनल के तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। जो mRNA होता है आपका 5 टर्मिनल पे जो बाइंड करता है 4G और E बाइंड करता है, ई एक्चुअली बाइंड करता है, जी इससे लिंक करेगा, एक आपका PABP प्रोटीन होता है जो कि 3' एंड पे बाइंड करता है, ये इन दोनों इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करके इस mRNA को बेंड करते हैं जिसकी वजह से इनिशिएशन अच्छे से हो पाए। ये क्या करेंगे, causes the bending ऑफ द mRNA ताकि इनिशिएशन अच्छे से हो पाए। इज इट क्लियर? इलोंगेशन 2, 1, 3, 4, 5, 2 का काम है टर्नरी, 2 का काम है टर्नरी का, 1 एंड 3 का काम है 43S का, 4 का काम है जितने भी उसके 4EGAB हैं 48S का, और 5 का काम है 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ सिंपल थिंग, अगर आप लोग याद कर ले तो चलिए ठीक है, ग्रेट। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा, कंपैरिजन पार्ट में लेके चलता हूं इसको, कंपैरिजन पार्ट में जब लेके चलूंगा सो ट्रांसलेशन को कंपैरिजन पार्ट में लर्न करने की कोशिश करिएगा। ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे, राइबोसोम्स है 70S होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में 80S सब यूनिट होता है, ओवरलैपिंग विद द ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में होता है लेकिन यूकैरियोट में नहीं होता। स्टार्टिंग अमीनो एसिड एफ मेथियोनिन होता है प्रोकैरियोट में लेकिन यूकैरियोट में मेथियोनिन होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि रिकॉग्निशन साइंड एल्गर्नो सीक्वेंस से होता है यहाँ
पे साइन डेल्कर्नो सीक्वेंस से होता है प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में स्कैनिंग मैकेनिज्म या कोजैक सीक्वेंसेस होते हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी प्रोकैरियोट में 23S करता है जबकि यूकैरियोट में 28S करता है। इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 होता है इनिशिएशन फैक्टर, जो कि भी बताया था। 1 क्या करेगा, पी साइट पे लेके आएगा। 2 क्या करेगा, अमीनो एसिटाइलेशन करेगा। 3 क्या करता है, 30S सबयूनिट को पहले बाइंड कराएगा प्रोकैरियोट में। लाओ उसके बाद 1 की बात करें, 1A 1B, 1 जो होता है वो थर्ड के साथ मिलता है, ठीक है। सेकंड जो होता है इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा यहाँ पे, ठीक है। चीजें जो है थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। वो क्या है कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 2 ही बनाता है, 2 ही बनाता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और थर्ड और 1A मिलके क्या बनाते हैं, 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। 2 जो होता है वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद 4 जो आता है वो हेलिकेज एंड कैप बाइंडिंग होता है, ये बनाता है 40S 8S। और 5 जो होता है वो 60 सबयूनिट से बाइंड करा के बनाता है 80S। इज इट क्लियर? ये आपका इनिशिएशन फैक्टर होता है किसमें, प्रो यूकैरियोट में। इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोट में 5 तरीके से होते हैं, 1 2 3 4 5। 1 का काम 3, और ये मैंने ऑर्डर आपको कुछ देर पहले भी बताया था, वही ऑर्डर अगर याद रखेंगे कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। क्या ऑर्डर बताया था कुछ देर पहले अगर आपसे बात करें, ठीक है, वो ऑर्डर क्या था, 2 1 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5। देखिएगा 2 का काम होता है टर्नरी, अगेन 2 का काम होता है टर्नरी। 1 एंड 3 का होता है 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 4 का काम होता है हेलिकेज एंड कैप बाइंडिंग, 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और 5 का काम होता है 60 सब यूनिट को लेके आना, और ये फॉर्म करता है 80S। दिस इज व्हाट द इनिशिएशन फैक्टर इन द आपके 2 1 3 4 5। नाउ अब इलॉन्गेशन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। इलॉन्गेशन फैक्टर के बारे में जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो इलॉन्गेशन फैक्टर में क्या आ जाता है, EFTU EFTS EFG। TU का काम होता है एस्कॉर्टिंग करना नए tRNA को ए साइट पे ले आना, कहाँ पे, ए साइट पे ले आना। और TS का काम होता है इस TU को रीजनरेट करना, वो क्या करता है, रीजनरेट करता है TU को। और G का काम होता है ट्रांसलोकेशन, G का काम होता है ट्रांसलोकेशन ए साइड से पी साइड पे, जो ट्रांसलोकेशन होता है। जैसे देखिएगा कि अगर एक राइबोसोम है, राइबोसोम पे EPA, यहाँ पे tRNA पे एक अमीनो एसिड, tRNA पे एक अमीनो एसिड, इसके बाद क्या हो जाएगा, इनका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो बॉन्ड होगा क्या हो जाएगा, EPA। इसमें क्या हो जाएगा कि ये tRNA फ्री और इसके पास 2 अमीनो एसिड आ गए। अब इस tRNA एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा, जैसे ही एग्जिट साइड से ये आया tRNA यहां से बाहर निकल जाएगा, पी खाली हो गया, ए पे क्या है, अब 2 अमीनोसिड है। यहां से कोई एक tRNA अमीनोसिड को लेके आया, तो अब क्या करेंगे, इस साइड को खाली करेंगे ए को, तो इसको इधर ट्रांसलोकेट करेंगे, ई वाला खाली पी ए, अब यहां पे पी पे आ जाएगा 2 अमीनोसिड और इस पे नया वाला आ जाएगा। दैट इज व्हाट, फिर से ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन, फिर से यही प्रोसेस जो होगा वो रिपीट होता चला जाएगा। दिस इज व्हाट द ट्रांस, ये क्या है, ये इलॉन्गेशन प्रोसेस है, इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। लेके आने वाला जो काम होता है EFTU करता है, और यहाँ पे ट्रांसलोकेट करने वाला जो काम होता है EFTG करता है, EFG करता है, नॉट TG, EFG करता है। इज इट क्लियर? सो ये आपका इलॉन्गेशन हो गया। नाउ ये आपके इलॉन्गेशन हो गए प्रोकैरियोट में। अब यूकैरियोट के बारे में बात करता हूं, तो यूकैरियोट में बस 1A होता है, यहाँ पे स्मॉल ई का मतलब यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट में 1A 1B 2। 1A का फंक्शन TU जैसा होता है, 1B का फंक्शन TS जैसा होता है रीजनरेशन, और 2 का फंक्शन होता है G जैसा ट्रांसलोकेशन। टर्मिनेशन की बात करते हैं तो 3 आपके कोडॉन्स होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स, UAA UAG UGA। रिलीज फैक्टर 1 जो होता है UAA और UAG को रिकॉग्नाइज करता है, रिलीज फैक्टर 2 UGA को करता है। ये जो होता है रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 ये रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिलीज फैक्टर 3 जो होता है वो इन RF1 और RF2 के रिकवरी या रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, उनको डिसोसिएशन एसोसिएशन में हेल्प करते हैं। रिलीज फैक्टर 1 एंड 2 का काम होता है रिलीज करना, इसका काम होता है इनको रीजनरेट करना, दैट इज द रिलीज फैक्टर 3। इसी के सिमिलर होता है RF फैक्टर 1 की ERF1 होता है यूकैरियोट में, RF फैक्टर 2 के अगेंस्ट जो होता है ERF2 होता है आपके, ERF2 होता है यहाँ पे, और इसी एग्जैक्टली सेम होता है ERF2 और RF3 होता है ERF3।
थ्री सेम प्रॉपर्टी होती है जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया. इज इट क्लियर फॉर द ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन के लिए क्लियर है तो अगेन नाउ ड्रीम इज टू क्लियर द CSIR नेट लाइफ साइंस. आई विल ब्रिंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद माय 4-year एक्सपीरियंस, स्मार्ट हैक्स, स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड स्मार्ट अप्रोच. आई विल मेक यू फॉल इन लव विद ऑल द 13 यूनिट्स. माय कोर्सेज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट हैक्स एंड द स्टैंडर्ड बुक्स. आई एम विरेन सिंह. ज्वाइन मी एंड माय बैच एंड इंडिविजुअल कोर्सेज ऑन एन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म एंड क्रैक द CSIR कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली. यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइफ टू गेट द 10% डिस्काउंट. लेट्स क्रैक इट. हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ. सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.